हमारे पास एक आंसर है ऑयल, ओ आई एल। इसके अलावा हमारे पास एक और आंसर है 115। इसके अलावा हमारे पास एक आंसर है प्रैक्टिकल, पी आर ए सी टी आई सी ए एल। हेलो गाइस, आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर लिसनिंग की आंसर की, जो कि एग्ज़ाम हुआ है 13 फरवरी 2020 को। तो गाइस, इससे पहले कि मैं आपको आंसर सभी के सभी बता दूं, आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो गाइस, मुझे लगता है मैंने काफ़ी क्वेश्चन के आंसर इकट्ठे कर लिए हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लिसनिंग के आंसर, वो भी करेक्ट वाले। तो गाइस, आपसे यही निवेदन है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत बोलिए। एंड जिनकी स्पीकिंग लेफ्ट है उनके लिए माई बटन में लिंक छोड़ दूंगा, वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड की वीडियो देखना बिल्कुल भी मत बोलिए। तो गाइस, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बता दूं कि हमारे पास जो आंसर है वो सीक्वेंस में नहीं है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो गाइस, शुरू करने जा रहा हूं आंसर्स। पहले हमारे पास है ऑयल, ओ आई एल। नंबर वन इज 115, 115। नंबर वन इज प्रैक्टिकल, पी आर ए सी टी आई सी ए एल। नंबर वन इज 215,000। और हमारे पास एक आंसर है वर्कशॉप, डब्ल्यू ओ आर के एस एच ओ पी। अनदर वन इज इंटरव्यूज, आई एन टी ई आर वी आई ई डब्ल्यू एस। अनदर वन इज क्राइम्स, सी आर आई एम ई एस। आगे हमारे पास है हेल्दी, एच ई ए एल टी एच वाई। आगे हमारे पास है सी एस डबल ई। आगे हमारे पास है 630। आगे हमारे पास है टाइम, टी आई एम ई। आगे हमारे पास है यूजलेस, यू एस ई एल ई डबल एस। आगे हमारे पास है मार्केट, एम ए आर के ई टी। आगे हमारे पास है फोटोग्राफ्स, पी एच ओ टी ओ जी आर ए पी एच एस। आगे हमारे पास है ट्रैवलिंग, टी आर ए वी ई डबल एल आई एन जी। तो गाइज, उसके बाद हमारे पास कुछ सीक्वेंस में आंसर है। 14 का आंसर है बी, 15 का आंसर है बी, 16 का आंसर है सी। उसके बाद 17 से 20 क्वेश्चन तक रॉबर्ट की कुछ बात हुई है, और उनमें हमारे पास आंसर्स करेक्ट वाले, मतलब करेक्ट वाले तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब कि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है जो मतलब ए बी या सी हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो है जो हम आपसे शेयर करेंगे। 17 का आंसर है डोंट फील लोनलीनेस, ये एक यूज़ है शायद रॉबर्ट का। नंबर वन इज 18 का टैबलेट टाइमिंग, बताता है रॉबर्ट। और उसके बाद 19 का हाउस वर्क में शायद मदद करता है रॉबर्ट। तो गाइज, इसके अलावा हमारे पास कुछ और MCQs हैं पैसेज 3 में, जिनका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका जो हिंट आंसर है वो हमारे पास है। इसमें से एक आंसर था डेवलपमेंट, एक आंसर था एनिमल्स, एक आंसर था प्रिजन, एक आंसर था ट्रांसपोर्ट। तो गाइज, ये लिसनिंग की आंसर की। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि हमने सही आंसर प्रोवाइड किए और हम सबसे पहले आंसर प्रोवाइड किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।